जिस तरह से हम लोग OTP अभी नहीं प्राप्त कर पा रहे अपने पुराने नंबर पे, क्योंकि वो बंद हो चुका है सर, वो बंद हो चुका है। तो आप नोटिफिकेशन जो जाएंगे तो खंड संख्या 3 और 4 में जाएंगे, तो 3 में मोबाइल नंबर के बारे में बात किया गया है और 4 नंबर में कहा गया है कि जीमेल पर भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सर आयोग से बस यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कृपया करके हम लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दें। नोटिफिकेशन एक डालना चाहिए आयोग को, संज्ञान में लेना चाहिए, और तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर बैठे रहेंगे और जब तक हम लोग को बात नहीं सुना जाएगा, जब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं पर रहेंगे और लेकर रहेंगे। मेरे पीछे जितने छात्र आप देख रहे हैं ये बिहार दरोगा सार्जन के परीक्षार्थी हैं और इनका एग्जाम 24 अप्रैल को होने वाला है। समस्या ये है कि इनका जो नंबर दिया हुआ था फॉर्म भरने के समय में, वो फॉर्म उनका नंबर जो है वो भुला गया, किसी कारणवश वो गुम हो गया, उसका FIR इन्होंने लिखवाया है। और दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि इनका जो OTP है OTP नहीं मिल रहा है, OTP ना मिलने का इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। और देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और क्या 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 परेशानी आ रही है इन्हीं से जानेंगे। जी बताइए सर। प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, उसमें OTP आयोग ने ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे जारी किया गया था, और एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड किसी कारणवश से डाउनलोड नहीं हो रहा है वो अपने ऑफिस से आकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में हम लोगों का मेंस का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को होने वाला है, और जिन अभ्यर्थियों का OTP नहीं मिल रहा है उसके कारण हम लोग परेशानी में हैं। इसके पीछे आयोग का मंशा क्या है हम लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन हम अपनी प्रस्ताव जो है आयोग के पास रखे हैं, आयोग अभी तक कुछ इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ये आयोग के पास आए हुए हैं और जस्ट देख सकते हो ऊपर आयोग है और नीचे परीक्षार्थी परेशान हैं, खड़े हैं, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, पर आयोग के जो भी अधिकारी हैं वो सुनने नहीं आए हैं। आखिर क्या वजह है कि आयोग की ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है आपके साथ? क्या क्या वजह है कि ऐसा आयोग आपके साथ रवैया अपना रहा है? ये वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन बार बार ये सॉफ्टवेयर के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जिस भी तरीके से आप PT का एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाए हो तो उसमें चेंज क्यों किया गया? अगर नंबर में प्रॉब्लम थी तो ये PT के टाइम ही बच्चों को बता दिया जाता। PT का जो एडमिट कार्ड है वो मेल से आया था, और जब बात आती है मेंस के एडमिट कार्ड का तो वहाँ पे OTP मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ वकील आए हुए हैं, पक्ष रख रहे हैं इनका, कौन इंटाइटल है बोलने के लिए? देखिए कुछ वकील आए हैं और इनका पक्ष रख रहे हैं, क्या इनका पक्ष रखना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जब इतने सारे लोग जेन्युइन कारण से वंचित रह जाएंगे, अब इनका एक सिंपल सा चीज़ है कि इनका मोबाइल नंबर जिस टाइम में फॉर्म भरे थे तो इन लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिया था वो चोरी हो या किसी का खो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अधिकतर लोगों का जो है समस्या वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, जरा आप इसको भी दिखाइए जो आयोग को इनकी बात तक पहुंच जाए। ये अभिजीत जी हैं, इनका ये कहना है कि मैंने जो मोबाइल रजिस्टर्ड करवाया था वो मोबाइल मेरा चोरी हो गया। केवल मौखिक नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने जो विधिवत प्रक्रिया है सनहा भी दर्ज कराया गया है इनके द्वारा, और वो सनहा संख्या भी देख लीजिए। अब यदि ये बच्चा का कोई कमी तो है नहीं कि इनका जो मोबाइल था वो चोरी हो गया, जिसके संबंध में इन्होंने जो है सो बिहार थाना में नालंदा में जो है सो आपको 1/2021 को इन्होंने अपना ये दर्ज करवा लिया था। अब ये नंबर इनके पास उपलब्ध नहीं है, इनका बहुत छोटा सा डिमांड है कि आप मेरा दूसरा मोबाइल नंबर लीजिए और उस पर OTP से कनेक्ट कीजिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, छोटी सी सवाल है, अगर इस मामले में ऐसे केस में अगर नंबर अगर चेंज करना हो तो कानूनी विधि क्या है? देखिए कानूनी की बात आप समझिए, अभी ये स्टूडेंट है, हर चीज़ में कानूनी चीज़ में जाने पर लंबी वहाँ पर एक विहित प्रक्रिया को पालन करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। अब सवाल यह है कि यह आयोग का जो एडवर्टाइज नंबर था उसमें मैंने क्लॉज 3 में एक चीज़ उन्होंने बताया है कि उनका कहना है कि एक ही मोबाइल नंबर से दो फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या एक अभ्यर्थी दो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यदि वो दो फॉर्म भरते हैं तो उनकी मान्यता जो है सो नहीं होगी। तो अब सवाल यह है कि ये तो वो बात है नहीं, एक ही अभ्यर्थी है और वो कह रहे कि मेरा पूर्व वाला जो मोबाइल था वो किसी कारणवश काम करना बंद कर दिया है, तो आप हमारी बात को मानिए। यदि इन लोगों का यहाँ चूंकि 24 को एग्जाम होने की संभावना है, जैसा इन लोगों ने कहा है 24 को एग्जाम का तारीख है, अब ऐसे परिस्थिति में ये न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ पर तो एक लंबी प्रक्रिया से तब तक ये लोग वंचित रह जाएंगे। तो आयोग को इनके बात को ध्यान पे रखते हुए, अच्छा कोई भी फॉर्म भरते हैं हम लोग, हम स्टूडेंट से ही बात करेंगे, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल नंबर का ऑप्शन आता है, तो क्यों नहीं दिया गया आप लोग? सर अभी देखा जाए तो समय बहुत कम है सर हम लोग के पास, और 24 तारीख को दरोगा मुख्य परीक्षा है सर,
ठीक है। तो आयोग से हम बस यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह का हम लोग के पास अभी समस्या है, जिस तरह से हम लोग OTP अभी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अपने पुराने नंबर पे, क्योंकि वो बंद हो चुका है सर, वो बंद हो चुका है। तो आप नोटिफिकेशन जो जाएंगे तो खंड संख्या 3 और 4 में जाएंगे, तो 3 में मोबाइल नंबर के बारे में बात किया गया है और 4 नंबर में कहा गया है कि जीमेल पर भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सर आयोग से बस यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कृपया करके हम लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दें, हम लोग डाउनलोड कर पाएँ। और अभी जितना भी जो समय हम लोग पास मुश्किल से 8 दिन 10 दिन बचा है, उसमें हम लोग अभी रिविज़न करना है, पढ़ाई करना है। आयोग का चक्कर सर काटेंगे तो फिर समय भी निकल जाएगा सर। बस कुछ महिला छात्र भी आई हुई है, कहाँ से आई हुई आप? सर पटना से ही हूँ। पटना से हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर वही OTP ये नहीं हो पा रहा, मोबाइल चोरी हो चुका है। तो जैसे ये मोबाइल तो किसी का चोरी हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन मेल जो है कभी वो किसी का बंद नहीं होता, वो तो परमानेंट है। जैसे मोबाइल पर नहीं जा रहा OTP तो मेल पर तो आप डाल ही सकते हैं। बस यही हम लोग का रिक्वेस्ट है कि OTP हम लोग का मेल पर ये सेंड कर दिया जाए। जी हाँ, ये बिहार दरोगा के छात्र हैं और इनको इनका पीड़ा और मनोदशा क्या है मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए कैसे इनकी हालत बनी हुई है और 24 तारीख को आगामी 24 तारीख को इनका एग्ज़ाम है कि बहुत सारे छात्र हैं, बहुत परेशान हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे एग्ज़ाम देंगे आप? हम चाहते हैं कि सर पिछले बार जिस तरह से PT में दिया गया था जीमेल में OTP, उस तरह से भी इस बार इशू किया जाए। बस सर हम लोग को आयोग से बस यही कहना है कि जब तक हम लोग को एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं हो जाएगा या उससे संबंधित कोई भी 2 लाइन का ही केवल क्यों ना हो, नोटिफिकेशन एक डालना चाहिए आयोग को, संज्ञान में लेना चाहिए। और तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर बैठे रहेंगे और जब तक हम लोग को बात नहीं सुना जाएगा, जब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं पर रहेंगे और लेकर रहेंगे।